दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। बताया गया कि शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री का आवास घेरा। परिषदीय विद्यालयों के 69 शिक्षक भर्ती की एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को गाड़ियों में बैठा करके इको गार्डन में छोड़ दिया। इससे पहले 26 सितंबर को भी घेराव किया गया था। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह आवास पर तो नहीं थे, लेकिन उनके सुरक्षा प्रशासन ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल को स्कूल शिक्षा निदेशालय भेजा। यहाँ स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद, बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल एवं PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई, लेकिन कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया। आप लोग जानते हैं पूरा मामला। एक अंक से जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो नियुक्ति पाने के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर हो नहीं रहा है। इसी वजह से अभ्यर्थी नाराज हैं और आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दूसरी अपडेट है कि PET के लिए 28-29 को नहीं होंगी दूसरी परीक्षाएं। यानी PET 28-29 को ही होगा और दूसरी परीक्षा नहीं आयोजित करने के संबंध में पत्र लिखे गए हैं। तो UP SSC द्वारा PET परीक्षा 2023 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली है। उस परीक्षा के दिन कोई अन्य भर्ती की परीक्षा या कोई स्कूल कॉलेज की परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा या यूनिवर्सिटी परीक्षा ना कराई जाए, इसके संबंध में पत्र लिखा गया है और कहा गया अगर पहले से कोई 28-29 अक्टूबर में अन्य परीक्षाएं लगी हैं तो उनको कैंसिल कर दिया जाए और सभी छात्रों को इस संबंध में अवगत करवा दिया जाए। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने इस संबंध में आयोगों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों को निर्देश भेज दिया है। आपको बता दें UP SSC PET 2023 के लिए 35 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन दो दिनों में 4 पालियों में परीक्षाएं होंगी। PET के लिए 20 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने इसके आधार पर परीक्षा की तैयारी करी है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक PET साल में एक बार आयोजित होती है। समूह ग के पदों पर यह एक बड़ी भर्ती है, बड़ी परीक्षा है, इसलिए कोई दूसरी परीक्षा उस दिन आकर के न टकराए। इस वजह से पहले से आदेश जारी कर दिए हैं कि 28-29 की जो डेट है रिजर्व रखी जाए, इस दिन PET की परीक्षा करवाई जाएगी। UP SSC से तीन और अपडेट है जो कि यहाँ पर आप लिख दे सकते हैं कि तीन भर्ती परीक्षा के लिए योजना व पाठ्यक्रम तय। UP SSC ने एक्सरे टेक्नीशियन के 382 पद, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 288 पद, प्रवर्तन कांस्टेबल के 470 पदों पर होने वाली परीक्षा के लिए जो परीक्षा योजना है पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। ठीक है, तो परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल की ओर से जारी इस संबंध में बताया गया कि एक्सरे टेक्नीशियन की परीक्षा में 100 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इसमें विषयगत ज्ञान के 65, कंप्यूटर के और कंप्यूटर सूचना के जो हैं 15 रहेंगे और राज्य से संबंधित 20 प्रश्न रहेंगे। वहीं पर दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के लिए इसे भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन रहेंगे। प्रवर्तन कांस्टेबल के होने वाली परीक्षा में 150 प्रश्न रहेंगे। इसमें बताया गया कि सार्वजनिक परिवहन संबंधी 20 अंक रहेंगे और अन्य कई टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। तो ना ये सब चीज़ें आप सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब सेंटर से आज शाम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रधानाचार्य भर्ती के अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। तो PCS 2021 के माध्यम से 243 अभ्यर्थियों का प्रधानाचार्य के पदों पर चयन हुआ था, लेकिन उनको अभी तक तैनाती नहीं मिल पाई है। तो फिलहाल आज इनका चयन किया जाएगा। आज नियुक्ति पत्र जो है मुख्यमंत्री की तरफ से बांटे जाएंगे। लखनऊ के लोक भवन कार्यालय पर आज ये प्रोग्राम होना है जहां पर इनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वहीं पर देखो LT ग्रेड GIC भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आपके सामने लिखी है कि शिक्षक भर्ती की योग्यता का विवाद खत्म। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षकों और खंड शिक्षा अधिकारी यानी BEO के पदों पर भर्ती की योग्यता का जो विवाद था वो दूर किया जा रहा हो गया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तीनों पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है।
इन पदों पर भर्ती की मांग को लेकर के धरना दे रहे प्रतियोगियों को लोक सेवा आयोग के अफसरों ने जानकारी दी है। तीनों पदों के लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती की जा रही है, लेकिन योग्यता को लेकर के विवाद बना हुआ है, विज्ञापन में देरी के पीछे से कारण माना जा रहा है। इसे लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगियों ने बृहस्पतिवार को आयोग पर धरना दिया। मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि आयोग के अनुभाग अधिकारी ने बताया कि योग्यता संबंधी विवाद का निपटारा हो चुका है, इसका प्रस्ताव अनुमोदन के लिए गया है, अनुमोदन मिलने पर एक सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस मामले की पूरी अपडेट विक्की खान की जवानी ही हमने आपको कल बताई थी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि विवाद समाप्त हो चुका तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कल एक लोक सेवा आयोग द्वारा क्या बताया गया है और पेपर में क्या छपा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कल जो वार्ता हुई लोक सेवा आयोग में, उन्होंने बताया है कि शासन स्तर से पत्र आ चुका, लेकिन निदेशालय स्तर में डीजी स्तर में अभी भी अटका हुआ। डीजी महोदय विजयकरण आनंद जी के ऑफिस में वो पत्र अटका है। जब तक वहां से पत्र लोक सेवा आयोग को नहीं मिल जाता तब तक विज्ञापन LTGIC का नहीं जारी होगा। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी का भी निस्तारण उसी से हो जाएगा, कोई अलग पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मामला यहाँ पर BEd से रिलेटेड है। तो BEd जो है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के लिए भी होता है, तो यहाँ पर दोनों का जो निपटारा है उसी पत्र से हो जाएगा। अब कितने दिन बाद पत्र आता है ये कहना मुश्किल है। आज के समाचार पत्रों में ये भी अपडेट दी गई विज्ञापन को लेकर के, देखिए कि शिक्षक भर्ती के जल्द विज्ञापन का दावा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की जो अपडेट है वो यहाँ पर भी दी गई, इसमें बताया गया है कि LTGIC का जो है जल्द विज्ञापन आएगा, अनुमति मिलने के एक सप्ताह बाद विज्ञापन जारी होने की बात कही गई, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की भर्तियों की बात कर लेते हैं। तो APS और स्टाफ नर्स दो भर्ती परीक्षाएं अभी चल रही हैं, इसमें आवेदन करने की डेट फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो आयुष विभाग में स्टाफ नर्स के 300 पदों पर भर्ती के लिए 4 नवंबर को UPSC की वेबसाइट पर जारी किया गया था, हालांकि 4 सितंबर होगा, यहाँ पर 4 नवंबर गलत लिखा हुआ है, नवंबर तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने की डेट बढ़ा दी गई है। अब इसको देखते हुए आवेदन करने की जो डेट है 18 अक्टूबर कर दी गई है, वहीं पर APS भर्ती के लिए जो आवेदन करने की डेट है उसको यहाँ पर बढ़ा करके 26 अक्टूबर कर दिया गया है। बाकी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। चयन बोर्ड TGT PGT भर्ती 2013 में अभी हाल ही में उजागर हुई धांधली के बारे में यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते हैं जाँच शुरू हो गई है, तो इसके बारे में आज दिया गया है कि शासन ने चयन बोर्ड से तलब की कोर्ट की अनुपालन रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT भर्ती 2013 में 12 लोगों की फर्जी नियुक्ति और 7 के समायोजन में हाईकोर्ट के आदेश पर शासन विजिलेंस जांच शुरू करा सकता है। चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन को अवगत करा दिया है कि चयन और समायोजन फर्जी ढंग से किया गया है, ना तो चयन बोर्ड ने आरोपितों और पैनलों के आवंटन किए हैं और ना ही समायोजन सूची जारी की है। भर्ती में 12 लोगों को फर्जी ढंग से चयन दिखा करके पैनल आवंटित तो किया गया है, लेकिन 7 याचियों ने पैनल के क्रम में विद्यालय के स्थान पर समायोजन सूची के अनुरूप संबल और बलरामपुर में अलग अलग विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। शिकायत के बाद DIOS ने चयन बोर्ड से समायोजन सूची का सत्यापन कराया, तो फर्जीवाड़ा सामने निकल करके आया है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अब मामला खींचेगा लंबा और इसकी जाँच होगी। ठीक है, तो फिलहाल शासन ने चयन बोर्ड से कोर्ट की अनुपालन रिपोर्ट तलब कर ली है। अंत में यहाँ पर एक अपडेट और है कि नए आयोग की गठन की प्रक्रिया के बीच प्रबंधकों को दी भर्ती की अनुमति। 6 अल्पसंख्यक महाविद्यालय में 75 पदों पर हो रही भर्ती। आप लोग जानते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन शुरू है, अभी तक हो नहीं पाया, लेकिन इसी बीच प्रबंधक जो है महाविद्यालयों में अपने स्तर से क्लर्क की भर्ती की अनुमति भर्ती कर पाएंगे। इसके बारे में दिया कि बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसका अधिनियम राज्यपाल की ओर से अधिसूचित भी हो चुका है। इसी आयोग से अल्पसंख्यक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है, लेकिन नए चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया के बीच ही उच्च शिक्षा निदेशालय से 6 अल्पसंख्यक विद्यालयों को पूर्व की तरह प्रबंधकों को भर्ती की अनुमति दे दी गई है। कुछ कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया चल भी रही है, कुछ ने आनन फान में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर डाली है। आयोग गठन के दौरान भर्ती की अनुमति देने को लेकर के प्रशासन पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 6 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रबंधकों को भर्ती की अनुमति
दे दी गई है। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला, आप लोग जानते होंगे अल्पसंख्यक जो विद्यालय होते हैं वहाँ पर ना तो चयन बोर्ड से भर्ती होती रही है और ना ही उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से, यहाँ पर भर्तियाँ जो है खुद मैनेजर ही करते थे। तो नया आयोग जब बन रहा है तो अब जो भर्तियाँ होंगी अल्पसंख्यक कॉलेजों में, चाहे वो एडेड इंटर कॉलेज हो या एडेड डिग्री कॉलेज हो, यहाँ पर भी भर्तियों को नए आयोग से ही करवाया जाएगा। लेकिन फिलहाल 6 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को 75 पदों पर भर्ती करने का अधिकार मैनेजर को दे दिया गया है पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।